Hello everyone, welcome to Tamuz IQ. Today I am here to cover the past 6 months current affairs, which is January to July. And this current affairs is going to be important for all the government exams in India, including the WBCS, SSC, Rail, Banking and other state PCS exam. Okay, so this current affairs is very crucial for all of them because I am covering the current affairs from the past 7 months, okay, January to July. So this current affairs is very special because I am covering the current affairs with the most important MCQs. Okay, so MCQs bhi cover kiya jayega yahan pe. ठीक है एंड उनका जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा. फॉर दिस रीजन दिस करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो लेट अस बिगिन द एनालिसिस. एंड आई वुड लाइक टू से दैट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द WBCS एंड द स्टेट PCS एग्जाम स्पेशली इन द वेस्ट बंगाल. ठीक है, जैसे कि PSC मिसेलेनियस WPSC का एग्जाम है, पुलिस एग्जाम्स है वेस्ट बंगाल पुलिस का, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो. ठीक है, सो bear with me till the end of this video. Okay, this video is going to be very long, so let us start the analysis. So first question is, the Dachigam National Park recently seen in news is located in which state or UT? Okay, so Dachigam National Park kahan pe hai? So this is a very easy question. Okay, you can see in the picture, this is Hangul. Okay, so Hangul is the state animal of this state. ठीक है, और द यूनियन टेरिटरी एनिमल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी. ठीक है, सो दिस इज हंगुल. सो नाउ यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. हंगुल इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, सो जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी आफ्टर 2019. ठीक है, सो Dachigam नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. सो दिस इज हंगुल एंड हंगुल इज ऑल्सो कॉल्ड कश्मीरी स्टैग. ठीक है, सो कश्मीरी स्टैग. And this is the Jammu and Kashmir map of Jammu and Kashmir. You can see, so Jammu and Kashmir has various mountain ranges. Okay, on the top of Jammu and Kashmir there is Karakoram, there is Ladakh range, there is Jaskar, there is Great Himalayas, then there is Pir Panjal. So SSC mein and WBCS mein and other state PCS mein ye mostly pucha gaya hai, especially in UPSC mein bhi ye pucha gaya hai ki arrange the following questions or arrange the following mountains from north to south. यहाँ पे ए में काराकोरम दिया गया था, बी में लद्दाख, सी में ग्रेट हिमालयस, ठीक है, डी में पीर पंजल, ठीक है, और ई में क्या रहेगा कि जंस्कर. ठीक है, सो इनको आपको अरेंज करना है 1 2 3 4 2 3 4 1 ऐसे करके अरेंज करना है. सो दिस टाइप का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम. सो यू हैव टू नो द सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन्स. ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, ग्रेट हिमालयस एंड पीर पंजल. ठीक है, एंड देर आर अदर नेशनल पार्क्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, विच आर द काजीनाग नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, काजीनाग नेशनल पार्क. सो नेशनल पार्क से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है कोई भी एग्जाम्स में. ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पे कौन सी एनिमल पाया जाता है, ये स्पेशली पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम्स में. ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, एंड सिटी ऑफ फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. Dachigam नेशनल पार्क, वी टॉक्ट अबाउट इट, एंड किस्तवर नेशनल पार्क, ये चार नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है. ठीक है, एंड देर इज हेमिस नेशनल पार्क. ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क वॉज इन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर, बट दिस इज नाउ इन लद्दाख. ठीक है, दिस इज नाउ इन लद्दाख. ठीक है, यू हैव टू नो दिस पॉइंट. एंड दिस इज द ओनली सर्वाइविंग एशियाटिक स्पीसीज ऑफ यूरोपियन रेड डियर. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द कश्मीरी स्टैग. सो कश्मीरी स्टैग इज द एशियाटिक सब स्पीसीज ऑफ यूरोपियन रेड डियर. ठीक है, एंड जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एनिमल. ठीक है, एंडेमिक टू कश्मीर हिल्स, तो यहाँ पे ही पाया जाता है, यू डू नॉट गेट द कश्मीरी स्टैग इन अदर स्टेट्स. ठीक है, सो दिस इज लिस्टेड इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है, जो कश्मीरी स्टैग है ना, उसका जो IUCN का कैटेगरी है, ठीक है, IUCN कैटेगराइजेस एनिमल बेस्ड ऑन द एक्सटिंक्शन. ठीक है, सो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दैट मीन्स देर आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्पीसीज ऑफ द कश्मीरी स्टैग इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, एंड साइड्स, ये भी एक अपेंडिक्स है, साइड्स के अपेंडिक्स में, ये अपेंडिक्स वन में रखा गया है, दैट मीन्स इट इज़ हाईली डेंजरस. ठीक है, इट इज़ इन द थ्रेट ऑफ द एक्सटेंशन. ठीक है, सो साइड्स में अपेंडिक्स वन में ये पूछा जाता है कि जो कश्मीरी स्टैग है उनका कैटेगरी क्या है IUCN में, क्या है
क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, एंड साइट्स में क्या है, अपेंडिक्स वन में रखा गया है, ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली परफॉर्म द फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी फ्रॉम पिग इन टू लिविंग ह्यूमन. सो इफ यू नो कॉमेंट द आंसर. सो आंसर इज यूएस. सो यूएस में जो है मॉडिफाइड किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, कहाँ से, पिग से. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाट्रो सिनेगास रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू वाटर क्राइसिस लोकेटेड इन विच कंट्री. ठीक है, देर वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर क्राइसिस हुआ था ये रीजन में, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, आंसर इज मेक्सिको में है, ठीक है, क्वाट्रो सिनेगास रीजन. सो दिस इज अ डेजर्ट एरिया, ठीक है, ये मेक्सिको में है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे वाटर का क्राइसिस हुआ था रिसेंटली. सो फॉर दिस रीजन दिस टॉपिक वॉज इन न्यूज, ठीक है. एंड यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बाउंड्री का नेम, डिफरेंट कंट्री के बीच में जो बाउंड्रीज रहता है उसका नाम पूछा जाता है बहुत सारा एग्जाम में. सो यू हैव टू नो द नेम ऑफ द बाउंड्रीज. फॉर इंस्टेंस रैडक्लिफ बाउंड्री, ठीक है, दिस इज रैडक्लिफ बाउंड्री इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है. सो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री का नाम है रैडक्लिफ बाउंड्री, ये एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि आपको सवाल ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहेगा. ऑप्शन वन माइट बी रैडक्लिफ बाउंड्री, सेकंड वन माइट बी मैकमोहन लाइन, मैजिनॉट लाइन, सी, ठीक है, ऐसे रहेगा. सो यू हैव टू नो दैट रैडक्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, मैकमोहन लाइन. मैजिनॉट लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में बहुत बार पूछा गया, डब्ल्यूबीसीएस में भी ये पूछा गया है, जीके का क्वेश्चन में, मेंस में, ठीक है. मैजिनॉट इज द बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस. ब्लू लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन लेबनान एंड इसराइल. ग्रीन लाइन, ठीक है, अटीला लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन सीप्रस एंड टर्की, ठीक है. मिनरहाइम, ठीक है, मैनरहाइम इज द बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड, ठीक है, रशिया एंड फिनलैंड. ये इंटरनेशनल ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, ये मत समझो कि आप ये इंटरनेशनल है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा. इट इज़ आस्ट, इट हैज़ बीन आस्ट इन द पास्ट ईयर्स, ठीक है. डुरंड लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है. हिंडनबर्ग, ठीक है, हिंडनबर्ग इज द बाउंड्री बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी, ठीक है. एंड देर इज 17th parallel इज द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. 20th parallel, ठीक है, 20th parallel सूडान एंड लीबिया के बीच में है. 22nd parallel सूडान एंड इजिप्ट के बीच में है, ठीक है. सो 20 एंड 22nd, एक लीबिया के साथ है सूडान का, दूसरा है सूडान एंड इजिप्ट के बीच में. 25th parallel, ठीक है, अगेन दिस इज मॉरिटियाना एंड माली, ठीक है, ये 20, 22, 25th ये अफ्रीका में है, ठीक है, ये याद रखना आपको. एंड 31st parallel इट इज़ बिटवीन ईरान एंड इराक. 38th parallel दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज बिटवीन द साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है, साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम के 17th है. 38th parallel साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है. एंड 49th parallel इज़ यू एस कैनाडा, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, US एंड कैनेडा के बीच में एक पैरेलल है विच इज कॉल्ड द 49th parallel, ठीक है. सो दिस इज द बाउंड्री. एंड 24th parallel इज इंडिया एंड पाकिस्तान, गुजरात में एक पैरेलल है, 24th parallel, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. एंड द सीज फायर्ड लाइन इज द फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट. सो दीज आर So these are the name of the boundaries between various countries. So you can take the screenshot and I'll also share the PDF in the Telegram channel as well. ठीक है. So other international boundaries. So length of the international boundaries are again asked in various exams. ठीक है. So India basically shares boundary with how many countries? 3, 6, 7. 7 country के साथ India boundary share करता है. Currently India although does not share a de facto border with Afghanistan. Although India does not share a border with Afghanistan because this area is now part of Pakistan under Pakistan occupied Kashmir. ठीक है, आज़ाद कश्मीर कहा जाता है इसको, ठीक है, आज़ाद कश्मीर. For this reason, this area is not part of India and in de facto position, India does not share border with Afghanistan. But India still considers this entire part of India. ठीक है, so for this reason,
इंडिया शेयर्स बॉर्डर ऑफ 106 किलोमीटर विद अफगानिस्तान, ठीक है। सो इंडिया कितने कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? सेवन कंट्रीज के साथ, ठीक है। एंड लार्जेस्ट बाउंड्री दैट इंडिया शेयर्स विद एनी अदर कंट्री इज दी बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर इंडिया शेयर करता है, एंड द लेंथ ऑफ द बॉर्डर इज 4096, ठीक है। एंड चाइना के साथ सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ थर्ड लॉन्गेस्ट है, नेपाल के साथ फोर्थ है, देन म्यांमार, देन भूटान, देन अफगानिस्तान। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज दैट इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड कोस्ट लाइन, इंडिया का जो कोस्ट लाइन का लेंथ है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 7516, जस्ट याद रखना है कि 7500, ठीक है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। सो दिस इज द इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द विच ऐप टू फैसिलिटेट द इजियर वोटिंग फॉर पर्सन्स अबव 85 ईयर्स ऑफ एज एंड पीडब्ल्यूडीज विद 40% ऑफ डिसेबिलिटी। सो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप को लॉन्च किया है, जिसके तहत 85 ईयर्स के एज से ऊपर के जितने भी आदमी हैं उनको एक फैसिलिटी दिया जाएगा, सो दैट दे कैन वोट फ्रॉम होम, ठीक है। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी दिया जाएगा ये, ठीक है। सो ऐप का नाम क्या है? सो ऐप का नाम आपको बताना है, आंसर इज सक्षम ऐप, ठीक है। सो सक्षम ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, टू इंश्योर द इंक्लूसिविटी इन द इलेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे वोट का कैटेगरी, वोटर, ठीक, कैटेगरी भी याद रखना है, 85 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र के जितने भी लोग हैं उनको ये फैसिलिटी दिया जा रहा है, ठीक है। सो पोलिंग स्टेशन विल प्रोवाइड द वॉलंटियर्स व्हील चेयर्स एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर्स है आपको याद रखना है, ठीक है। करंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, एंड अनदर इलेक्शन कमिश्नर इज दी सुखबीर सिंह संधु, ठीक है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, टू इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द वोटिंग रिफॉर्म्स सिंस 2010, ठीक है। वोटिंग रिफॉर्म्स में नोटा, ठीक है, नन ऑफ द अबव, नाउ इट इज यू कैन वोट, इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू वोट एनी पर्सन यू कैन वोट टू द नोटा एज वेल, ठीक है। सो नोटा ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2013 में, ठीक है, 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि कब इंट्रोड्यूस किया था। वीवीपैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीवीपैट क्या होता है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। वीवीपैट के तहत आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि वेरीफाई कर सकते हो आप किसको वोट दे रहे हो, लेट अस से यू आर वोटिंग अ पर्सन ए, ठीक है, हुज नेम इज सुखबीर, ठीक है। सो इफ यू हैव क्लिक्ड दिस बटन देन वीवीपैट मशीन विल शो द नेम ऑफ दिस पर्सन फॉर 7 seconds, ठीक है। 7 seconds के लिए यहाँ पे फोटो दिखाया जाएगा कि जिसको आप वोट किए हो, ठीक है, वो वेरिफिकेशन के लिए है कि वेदर यू हैव वोटेड द राइट पर्सन और नॉट, ठीक है। सो वीवीपैट भी 2013 में पहली बार कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था? नोक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नागालैंड में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोक्सेन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, नागालैंड में, ठीक है, ये याद रहेगा आपको ना। सो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीपैट क्या होता है समझ में आ गया आपको, व्हाट इज वीवीपैट, व्हाट इज नोटा, ठीक है। वोटर आईडी एंड लिंकेज, आधार का लिंकेज भी इलेक्शन कमीशन में स्टार्ट किया 2021 में, ठीक है। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार, ठीक है। सो दिस इज अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर इज अभय ठाकुर। सो अभय ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार, ठीक है। एंड इंडिया म्यांमार के रिलेशन के बारे में जानने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया एंड म्यांमार रिलेशन के तहत एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विच इज़ दी IMT हाईवे, ठीक है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ठीक है, IMT हाईवे। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IMT स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ठीक है। एंड कहाँ से शुरू होता है ये? मोरे, ठीक है, मोरे तमो इन मिजोरम,
ठीक है, मुरे तम्बू से स्टार्ट होके मैंडले से होके नैपीटाउ, ठीक है, बागो होते हुए ये मायसॉट तक जाता है, मायसॉट। तो ये क्वेश्चन एसएससी में, यूपीएससी में भी पूछा गया था, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे कहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया का, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट से स्टेट होता है, स्टार्ट होता है कहाँ तक जाता है, मायसॉट से तब, ठीक है, मायसॉट कहाँ पर है, थाईलैंड में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, क्योंकि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आता है इंडिया का। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली एम्स टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी वन, ठीक है। सो मिनी रत्न एक PSU का कैटेगरी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा रहता है इस कंपनीज में, ठीक है। सो दे आर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो मिनी रत्न किसको दिया है रिसेंटली, द आंसर इज ग्रिड इंडिया। सो ग्रिड इंडिया रिसेंटली गॉट द स्टेटस मिनी रत्न, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड मिनी रत्न इन द कंपनीज आर अकाउंटेड टू बी कंपनीज होल्डिंग 30 crores और मोर प्री टैक्स प्रॉफिट, ठीक है। सो 30 crores से अगर ज़्यादा प्री टैक्स प्रॉफिट है वन ईयर के अंदर फॉर 3 consecutive years, अगर 3 साल तक रेगुलरली 30 crores से ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है कोई कंपनी, तो उस कंपनी को मिनी रत्न का स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। एंड मिनी रत्न भी 2 category है, category 1 and category 2, ठीक है। एंड शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज द लेटेस्ट नवरत्न। सो नवरत्न के बारे में भी आप जानते हो, ठीक है। नवरत्न में लेटेस्ट जो नवरत्न बनाया वो कौन सी बनाया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट नवरत्न इन इंडिया, ठीक है, आंसर होगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 14 है, 14th, एंड इंडिया में अभी कितने नवरत्न है, 14, ठीक है। एंड 13th महारत्न कंपनी इज इंडियन ऑयल लिमिटेड, इंडिया में 13 महारत्न कंपनी है, 14 नवरत्न कंपनी है। 14वां जो लास्ट लेटेस्ट नवरत्न कौन सी है, शिपिंग कॉरपोरेशन, एंड 13th एंड लेटेस्ट महारत्न कंपनी कौन सी है, ऑल इंडिया लिमिटेड। सो आपको ये पॉइंट याद रखना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी, वट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर पेट्रोल सर्विलेंस ड्रोन रिसेंटली लॉन्च बाय द ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ा एरोस्पेस। सो गरुड़ा स्पेस इज एरोस्पेस इज वेरी कॉमन नाउ डेज, ठीक है, दे आर वर्किंग इन द मेकिंग ऑफ द ड्रोन्स, ठीक है। सो वॉट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर पेट्रोल सर्विलेंस ड्रोन। सो बॉर्डर पेट्रोल में, बॉर्डर में पेट्रोल करने के लिए एक ड्रोन बनाया गया है रिसेंटली, सो इसका नाम क्या है, ठीक है, द नेम इज़ त्रिशूल, ठीक है। त्रिशूल इज लॉन्च बाई गरुड़ा एरोस्पेस, ठीक है। सो आपको ये नाम याद रखना है, त्रिशूल इज अ बॉर्डर पेट्रोल सर्विलेंस ड्रोन, ठीक है। सो गरुड़ा एरोस्पेस इज दी ड्रोन सेटअप स्टार्टअप दैट इज बेस्ड इन चेन्नई, ठीक है। वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रखना है कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम इज इंद्रजल, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन। इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनियस, इंडिया में ही बनाया गया जो ड्रोन डिफेंस डोम है, ठीक है, इसका नाम इंद्रजल है। दृष्टि 10 इज फर्स्ट इंडिजिनियस मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, ठीक है। सो मेल ड्रोन जो कहता है, ठीक है, मेल ड्रोन इज दी दृष्टि 10, जो इंडिया का फर्स्ट ड्रोन है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना आप लोग कि इंद्रजल है इंडिजिनियस डिफेंस ड्रोन, ठीक है, बट दृष्टि 10 इज इंडिजिनियस मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, ठीक है। एंड कंट्री ऑल्सो साइंड $3 billion डील विद US प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 15 MQ-9B गार्जियंस, ठीक है। सो सी गार्जियन भी एक ड्रोन है, ठीक है, एंड 16 MQ-9B स्काई गार्जियन। सी गार्जियन एंड स्काई गार्जियन आर 2 drones विच इंडिया इज इम्पोर्टिंग फ्रॉम US फॉर $3 billion, ठीक है। सो आपको ये टर्म्स याद रखना है, स्काई गार्जियन एंड सी गार्जियन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट इज़ द नेम ऑफ अप्रूव्ड बाई द IAU वर्किंग ग्रुप फॉर प्लानिटरी सिस्टम नोमेनक्लेचर फॉर लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान विक्रम लैंडर, ठीक है। सो IAU का जो वर्किंग ग्रुप है, उसका जो प्लानिटरी सिस्टम का नोमेनक्लेचर है, ठीक है, उसके लिए लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा गया, द नेम ऑफ द लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान विक्रम लैंडर। सो चंद्रयान जो रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया, उसका विक्रम लैंडर का नाम क्या रखा गया, नेम इज शिवशक्ति, ठीक है। सो स्टेशन शिवशक्ति इज चंद्रयान विक्रम लैंडर साइट, सो विक्रम लैंडर विल बी लैंडिंग ऑन दिस साइट, ठीक है। शिवशक्ति सिम्बलाइजेस द डिटर्मिनेशन एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। सो चंद्रयान 3 इज द मून साउथ पोलर रीजन, सो मून का साउथ पोल में जो चंद्रयान 3 मिशन लैंड करेगा, एंड दिस विल बी द फर्स्ट मिशन दैट एनी कंट्री इज टेकिंग टू लैंड द स्पेस क्राफ्ट इन द साउथ
पोल ऑफ द मून, ठीक है। सो मून के साउथ पोल में जाने वाले कोई भी कंट्री जो इंडिया, जो वर्ल्ड का है, जो फर्स्ट कंट्री इंडिया बनेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड कॉस्ट इज 615 करोड़ के कॉस्ट में बनाया गया है, ठीक है। कौन सी व्हीकल से लॉन्च किया जा रहा है? GSLV MK3, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ इसरो, ठीक है। सी विजिल ऐप, अ विजिलेंट सिटीजन ऐप रिसेंटली सीन इन यूज, इज डेवलप्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। सी विजिल ऐप, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी ईजी क्वेश्चन। कॉमेंट द आंसर इफ यू नो, इफ यू डू नॉट नो द आंसर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। विजिलेंट ऐप वॉज डेवलप्ड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू हेल्प सिटीजन्स रिपोर्ट वायलेशंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन को मॉनिटर करने के लिए ये ऐप बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, विच स्टेट इज द हैप्पीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर तहत कौन सी कंट्री जो हैप्पीस्ट है, ठीक है। आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड आपको एक कॉमन जो निमोनिक्स जैसे याद रखना है कि फाइन, सो फिनलैंड, फाइन हैप्पी, ठीक है। सो फिनलैंड इज द वर्ल्ड्स हैप्पीस्ट कंट्री एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, ठीक है। एंड रिसेंट इंडेक्सेस के बारे में जानते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कौन लॉन्च करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करता है, ठीक है। आपको याद रखना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया स्लिप्ड 8 places टू 93rd इन CPI, ठीक है। इंडिया रैंक इज 85th, ठीक है। इंडिया का जो रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85th है, ठीक है। एंड इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। एंड 0 to 100 के स्केल में मापा जाता है कोई भी कंट्री को। 0 मीन्स हाईली करप्ट, 100 मीन्स वेरी क्लीन कंट्री, ठीक है। डेनमार्क इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर करप्शन इज वेरी लीस्ट, ठीक है। सो डेनमार्क करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो डेनमार्क का रैंक है इट इज़ वेरी लो, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन करप्शन इज वेरी लो इन डेनमार्क, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सोमालिया इज द मोस्ट करप्ट, ठीक है। करप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सोमालिया। एंड हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 का। रैंक 1 में क्या है, कौन कौन सी कंट्री है? ये सब कंट्रीज है, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन एट्सेट्रा, ठीक है। एंड इंडिया का रैंक है 80 कंट्रीज, ठीक है। 80 रैंक, 80 इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस दिस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द स्टार्टअप महाकुंभ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज दिल्ली। सो दिल्ली में दिस स्टार्टअप महाकुंभ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड इट इज बीइंग इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी, ठीक है। इंडिया इज नाउ होम टू 113 यूनिकॉर्न्स, ठीक है। इंडिया में अभी 113 यूनिकॉर्न्स है, ठीक है। सो यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है कि द कंपनी विच हैज़ द वैल्यूएशन ऑफ मोर देन $1 billion, ठीक है। $1 billion अगर वैल्यूएशन होता है कोई भी स्टार्टअप कंपनी का, उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि बायजूस, ठीक है, अनअकैडमी, ये सब यूनिकॉर्न्स है। फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया इज द इनमोबी। सो इनमोबी वॉज द फर्स्ट यूनिकॉर्न टू बी ग्रांटेड द यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2011, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया, ठीक है। सो दिस इज कॉमन क्वेश्चन। सो ही इज़ द न्यू एम्बेसडर एंड नेम इज विनय कुमार, ठीक है। सो विनय कुमार इज़ द न्यू एम्बेसडर एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। विच ऐप इसरो हैज़ लॉन्च टू असिस्ट द गंगायन क्रू। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 4 नाम अनाउंस किया है गंगायन मिशन के लिए। एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत, ठीक है, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, ठीक है, अंगद एंड सुभांशु, ठीक है। ये इनिशियल्स याद रखना आपको हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत, अजीत, अंगद एंड सुभांशु, ठीक है। सो दीज आर दी 4 कैप्टन्स, और ठीक है, सो दीज आर दी 4 क्रू मेंबर्स हु विल बी ट्रैवलिंग टू स्पेस इन द गंगायन मिशन, ठीक है। सो विच ऐप इसरो हैज़ लॉन्च्ड, ऐप नेम ऑफ द ऐप इज साकी, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। सो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर विच इज़ लोकेटेड इन थुम्बा इन थिरुवनंतपुरम, ठीक है। थिरुवनंतपुरम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस बिकॉज फ्रॉम ह्योर डॉक्टर शशि थरूर, ठीक है। डॉक्टर शशि थरूर इज द MP, ठीक है। सो थिरुवनंतपुरम में एक लॉन्चिंग साइट है, सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट। द नेम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट इज द
Vikram Sarabhai Space Center. Okay, so from this the launch, this app was launched. Okay, Saki. Saki means space borne assistant and knowledge hub for crew interaction. Okay, so all you need to know is ISRO can launch the Gagayaan human mission is by 2025. So by 2025 tak ISRO ka jo mission hai launch ho sakta hai. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट मैन स्पेस मिशन. ठीक है, एंड रिसेंटली योंडे डिक्लेरेशन वॉज इन डिस्कशन. इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, योंडे डिक्लेरेशन. ठीक है, योंडे डिक्लेरेशन इज द डिक्लेरेशन रिलेटेड टू मलेरिया डिजीज. ठीक है, सो योंडे डिक्लेरेशन बेसिकली इज अ डिक्लेरेशन बाई द 11 अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज. ठीक है, अफ्रीका का 11 कंट्रीज में एक साथ आके जो मलेरिया पैंडमिक है जो डैट इज़ गोइंग ऑन इन दीज 11 कंट्रीज इज टू बी टैकल्ड. ठीक है, ये टैकल करने के लिए ये जो डिक्लेरेशन साइन किया गया था. ठीक है, योंडे इज़ द कैपिटल ऑफ अफ्रीकन कंट्री कैमरून. ठीक है, इसीलिए इसको योंडे डिक्लेरेशन नाम रखा गया है. ठीक है, कैमरून, कैमरून का कैपिटल क्या है? योंडे. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन चोजन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज द नेशनल डिसेबिलिटी आइकन. This is very important. ठीक है, and the answer is Seetal Devi. Seetal Devi has been appointed as the national disability icon. ठीक है, by the election commission of India, and she is the para archer. ठीक है, so इनका जो field है वो भी पूछा जाता है exam में. Arjuna Award. She has been the Arjuna Award in the past. ठीक है, Arjuna Award has been received by her. ठीक है, Seetal Devi. नाम याद रखना आप लोग. First recipient of Arjuna Award in the archery was the Krishna Das. ठीक है, so this is very important. सो द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ अर्जुन अवार्ड ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ठीक है, सो जो डब्ल्यू बी सी एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो स्टेट पी सी एस मिसलेनियस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कृष्णा दास. कोविंद कमिटी वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज एंड इट इज रिलेटेड टू दी वॉट आंसर इज साइमल्टेनियस इलेक्शन. सो कोविंद कमिटी वॉज बेसिकली हेडेड बाई दी फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद. ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू द to test the feasibility of one nation one election. So India में जो है अभी election बहुत सारा phases में किया जाता है. ठीक है, जो for instance West Bengal में अगर देखो तो West Bengal में जो state elections है assembly election that will happen in 2025. But the assembly election but the parliamentary election took place in 2024. ठीक है, similarly various state elections are going on in different parts of India. So India में elections synchronized नहीं है. ठीक है, to synchronize the election process, to synchronize the election process, this one nation one election जो committee है वो committee बनाया गया था. ठीक है, and a Kovind committee is the name of the committee. ठीक है, so who has been selected as the flag bearer of India at the Paris Olympics 2024. ठीक है, answer is वेरी सिंपल, शरद कमल. सो शरद कमल खेल रत्न अवार्ड विनर एंड टू टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस प्लेयर. सो शरद कमल इज अ टेबल टेनिस प्लेयर. ठीक है, सी विल बी ही विल बी द फ्लैग बेयरर इन द पेरिस ओलंपिक्स 2024. ठीक है, सो शरद कमल विल बी इंडियाज 19th फ्लैग बेयरर इन द ओलंपिक्स. ठीक है, इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ रियूजेबल लॉन्च व्हीकल. वॉट इज इट कॉल्ड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द फर्स्ट reusable launch vehicle of India. Reusable launch vehicle means vehicle which can be reused again. ठीक है, so this is a vehicle इसको फिर से reuse कर सकते हैं एक बार launch करने के लिए satellite. ठीक है, अभी क्या होता है कि जो satellite launch किया जाता है एक vehicle जो spacecraft उसको launch करता है उसको reuse नहीं कर सकते. but this will be a revolutionary step and name of this reusable launch vehicle is Pushpak. so you can see in the picture. so Pushpak is the reusable launch vehicle. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली जेनेटिक रेस्क्यू हैज़ बीन प्रपोज टू कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन इन विच ऑफ द नेशनल पार्क. ठीक है, सो जेनेटिक रेस्क्यू प्रपोज किया गया है इस टाइगर रिजर्व में. आंसर इज रणथंभौर नेशनल पार्क. रणथंभौर कहाँ पे है ये आपको पूछा जाएगा. ठीक है, रणथंभौर कहाँ पे है कॉमेंट करो. दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन. ठीक है, जो रणथंभौर है नेशनल पार्क ये बहुत सारा एग्जाम से पूछा गया है. ठीक है, सो दिस इज़ अ साउथ इंडियन स्टेट. मैं हिंट दे देता हूँ, दिस इज साउथ इंडियन स्टेट वेयर दी रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड. ठीक है, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम डी सी टी एस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. डी सी टी एस. ठीक है, डी सी टी एस इज रिलेटेड टू यू के. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज
trading scheme is launched by UK, which aims for duty concessions on the shipments to UK, most comply with the British regulations. So agar koi shipment koi bhi country se agar UK ka regulations ko follow kar raha hai wo, to unko developing countries trading scheme ke तहत cover kiya jayega. So they will get some benefits. ठीक है, so DCTS is related to UK. Just remember that point. Next is Mission 414 campaign. Recently seen in news is launched in which state? Mission 414. ठीक है, this is launched in Himachal Pradesh to boost voter turnout in 414 polling station with less than 60% participation in Lok Sabha election. ठीक है, so recently Lok Sabha election was held. ठीक है, so just जो भी voting station है जहाँ पे जो वोटिंग टर्नआउट है 60% से कम था, वहाँ पे ये जो कैंपेन है लॉन्च किया जा रहा है. ठीक है, मिशन 414 हिमाचल प्रदेश. ई क्रॉप क्रॉप सिमुलेशन मॉडल बेस्ड डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय विच अराउंड द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट. ठीक है, सो ई क्रॉप इट इज़ लॉन्च बाय सेंट्रल ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला. ठीक है, नेक्स्ट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है. कहाँ पे है? आंसर इज बिहार. ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज बिहार सोल टाइगर रिजर्व. सो इन बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है. ठीक है, सो दिस इज द ओनली टाइगर रिजर्व विच इज लोकेटेड इन बिहार एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1990. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, सिचुएटेड ऑन गंडक रिवर बैंक. सो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर के बैंक में ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है, दैट इज आस्क्ड इन दी वेरियस एग्जाम्स. ठीक है, एंड इट्स इज बॉर्डर्स विथ रॉयल चितवन नेशनल पार्क. सो रॉयल चितवन नेशनल पार्क इज इम्पॉर्टेंट, इट इज लोकेटेड इन नेपाल. ठीक है, एंड लियो वरडकर हु रिसेंटली अनाउंस द रेजिग्नेशन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. ठीक है, आंसर इज आयरलैंड. ठीक है, आयरलैंड का जो जो प्राइम मिनिस्टर है रिसेंटली रिजाइन किया है. ठीक है, ही वॉज इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, recently where was the third edition of the Northeast Asian Games started? ठीक है, 2024 Northeast Asian Games recently started in Nagaland. ठीक है, so this is important. Nagaland का जो चीफ मिनिस्टर है नाइफ यू रियो है. ठीक है, एंड 2022-23-24 जो नॉर्थ ईस्ट एशियन गेम्स है उसमें जो विनर है मणिपुर है. सो मणिपुर हैज़ वन द थ्री नॉर्थ ईस्ट गेम्स. ठीक है, सो जितने भी नॉर्थ ईस्ट का जो गेम्स हैं सभी जो चैम्पियन जो जो इवेंट है उसमें मणिपुर ने जीता है. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट. सो मणिपुर हैज़ वन मोस्ट मेडल्स. ठीक है, एंड रिसेंटली वेयर वॉज द फोर्थ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फॉरम ऑर्गेनाइज. ठीक है, SCO फॉरम वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच प्लेस. ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शंघाई SCO इज़ नाउ कंसिडर्ड एज द इंडियन नाटो. ठीक है, एशियन नाटो कंसिडर किया जाता है नाउ डेज बाई वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज दिस इज कमिंग अप ऑफ टू मैनी पावरफुल कंट्रीज. फॉर इंस्टेंस चाइना रसिया इंडिया दे आर हैवी वेट्स इन एशिया. ठीक है, दे आर कमिंग टुगेदर फॉर अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ का जो मेम्बर्स है रसिया है चाइना है इंडिया है पाकिस्तान है. ठीक है, ताजिकिस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान काजाकिस्तान. सो दीज आर द मेम्बर्स ऑफ SCO. ठीक है, सो SCO का जो फोर्थ शंघाई जो स्टार्टअप फॉरम है कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो SCO इज अ सक्सेसर ऑफ शंघाई 5. सो ओरिजिनली जो शंघाई 5 था SCO का नाम. ठीक है, ये 1996 में फॉर्म हुआ था एंड ओरिजिनल मेंबर्स वर चाइना पाकिस्तान चाइना किर्गिस्तान काजाकिस्तान रशिया एंड ताजिकिस्तान. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान ऑफिशियली बिकेम द मेंबर्स ऑफ SCO इन 2017. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है SCO का हेडक्वार्टर. पूछा जाता है कॉमन है. फॉर्म कब हुआ था? 2001 में फॉर्म हुआ था. ठीक है, SCO फॉर्म हुआ था 2001 में, जो शंघाई 5 फॉर्म हुआ था 1996 में. ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवरी ईयर. ठीक है, आंसर इज 21st मार्च इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, सो ये हिस्ट्री है, यू कैन रीड द हिस्ट्री हियर एंड द थीम इज़ अ डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन जस्टिस एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ये थीम है इंपॉर्टेंट याद रखना है. वॉट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाई इंडिया टू इवैक्यूएट द इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हेती. सो हेती से इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट में. वॉट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन?
operation is Operation Indravati. Okay, so this is important news. And Indian External Affairs Minister S. Jaishankar announced the Operation Indravati. Okay, Order of the Drug Galpo Award recently seen in news is the highest civilian award of which country? So this is very easy question. Order of Drug Galpo, you can easily guess the answer. Answer is Bhutan. So Bhutan ka jo जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अवार्ड किया गया था रिसेंटली. ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत सारा इंटरनेशनल जो हाईएस्ट ऑनर दिया गया है, कंट्रीज का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिया गया है, उसमें से ये सब है, यू कैन सी हियर. सो रिसेंटली ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, सो दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रशिया. दिस वॉज जस्ट गिवन इन जुलाई ओनली. ठीक है, सो इंडिया का जो पीएम रिसेंटली विजिट किया था रशिया में, उनको ये अवार्ड दिया गया था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल. ठीक है, ये कहाँ का है? रशिया का है. ग्रीस का जो है ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑनर. ठीक है, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन अवार्ड. ठीक है, इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नाइल. ठीक है, कहाँ का है? नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का है. रिपब्लिक ऑफ पताउज का इबाकी अवार्ड. तो आपको अवार्ड का नाम याद रखना है, कौन सी अवार्ड कहाँ का है. ठीक है, पपुआ न्यू गिनी का ऑर्डर ऑफ लुगाऊ. ठीक है, फिजीज का ऑर्डर ऑफ फिजी. भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो. यूके गवर्नमेंट का लीजन ऑफ मेरिट. ठीक है, एंड बारेन किंग का जो है ऑर्डर ऑफ रेनेसांस. ठीक है, मालदीव्स का ऑर्डर है निशान तुजुद्दीन. यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड. ठीक है, अफगानिस्तान का स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्ला खान. ठीक है, एंड सऊदी अरबियाज ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज. फलिस्तीन का जो ग्रैंड जो कॉलर अवार्ड है. ठीक है, सो दीज आर द नेम ऑफ द अवार्ड्स विच द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉट. सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ ईच अवार्ड फ्रॉम विच कंट्री दे वर अवार्डेड. ठीक है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड यू नीड टू नो द भूटान किंग, नेम ऑफ द भूटान किंग इज द जिग्मे केसर नामग्यल वांगचुक. ठीक है, IMT trilateral exercise recently seen in news is conducted between which one of the following countries? So IMT, ठीक है, IMT trilateral exercise is the exercise between India, Mozambique and Tanzania. So do not confuse with India, Myanmar and Thailand. ठीक है, so do not confuse get confused with that. So answer is B. So INS Tir and INS Sujata joined the Mozambique Tanzania trilateral exercise. ठीक है, so India से ये दोनों crews participate किया था. गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री. ठीक है, विच सिटी? ठीक है, गुलाल गोटा. गुलाल गोटा इज जयपुर जो ट्रेडिशनल ये है, क्या है? ट्रेडिशनल फेस्टिवल है. ठीक है, सो गुलाल गोटा, यू हैव टू रिमेंबर इट इज अ जयपुर ट्रेडिशनल होली फेस्टिवल. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड रिसेंटली विच वॉज द 44th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हेल्ड. सो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो मीटिंग हुआ था 148th कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जेनीवा में, स्विट्जरलैंड में हुआ था. ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कौन सी एडिशन है 148, ये याद रखना है आपको. ठीक है, IPO इज इन दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1889, हेडक्वार्टर इन जेनीवा. सो IPO का हेडक्वार्टर है जेनीवा में है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, 1889 में फॉर्म हुआ था ये. ठीक है, इवन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था 1885 में. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड हु वॉन द एबल प्राइज 2024, समटाइम्स होल्ड द नोबल प्राइज इन मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स का जो नोबल प्राइज है किसको मिला? आंसर इज सी, माइकल टैलाग्रैंड. ठीक है, माइकल टैलाग्रैंड वॉन द एबल प्राइज. ठीक है, एंड ऑन वर्ल्ड कबड्डी डे 2024, विच कंट्री क्रिएटेड द हिस्ट्री बाई क्रिएटिंग गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 128 प्लेयर्स. ठीक है, सो वर्ल्ड कबड्डी डे में एक कंट्री से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ, उस कंट्री का नाम क्या है? ठीक है, ये गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी गया है. ठीक है, सो फॉर दिस रीजन वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर इज इंडिया. इंडिया ने 128 जो है कबड्डी प्लेयर्स सेंड किया था यहाँ पर. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वर्ल्ड कबड्डी डे इज मार्च 24. So before I move on to next MCQ, these are important books which have been launched recently. So Ek Samandar Mere Andar, so this is a book written by Sanjeev Joshi. Okay, so Sanjeev Joshi is an important person, and he has been deputy CEO of the BrahMos Aerospace. Okay, so Ek Samandar Mere Andar, you have to remember the name of the book and the writer. Pranav, my father, this is book written by
शर्मिष्ठा मुखर्जी, ठीक है, प्रणव माई फादर, बुक रिटर्न बाय शर्मिष्ठा मुखर्जी, द कुकिंग बुक्स रिटर्न बाय रामचंद्र गुहा. सो रामचंद्र गुहा इज एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन एंड ही रोड द इंडिया आफ्टर गांधी. सो इंडिया आफ्टर गांधी, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है दे रीड दिस बुक एज वेल, ठीक है, कुकिंग बुक्स, ठीक है, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, चारू निवेदिता, ठीक है, ट्रांसलेटेड बाय नंदिनी कृष्णन, ठीक है, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एसएम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड दिस इज रिटर्न बाय द अरूप कुमार दत्ता एंड लॉन्च बाय अमित शाह, ठीक है. सो लचित बरफुकन इज बेसिकली अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम असम, ठीक है, सो ही वॉज एन इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द असम एंड ही ऑल्सो फॉट द औरंगजेब, ठीक है. सो फॉर दिस रीजन ही इज एन इंपॉर्टेंट जनरल, ठीक है, ही इज एन इम्पॉर्टेंट जनरल ऑफ अहोम किंगडम. सो अहोम किंगडम बेसिकली रूल्ड इन असम, असम में एक इम्पॉर्टेंट किंगडम था जिन्होंने इवन औरंगजेब जो एक मुगल्स था, ठीक है, मुगल रूलर को थॉट किया था, दे बेसिकली रिपेल्ड द मुगल्स फ्रॉम एंटरिंग द असम, सो दे डिड नॉट अलाउ द मुगल्स टू एंटर इन टू असम, ठीक है. सो अहोम्स का एक इंपॉर्टेंट जनरल था, उनका नाम है लचित बरफुकन, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्सनैलिटी एज वेल. फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ये बुक किसने लिखा है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मनसुख मंडाविया ने लिखा. एंड बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा, ठीक है, एन एसिड टेस्ट फॉर द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक, बाबरी मस्जिद, ठीक है, राम मंदिर रिसेंटली इनाग्रेट हुआ था. सो ये किसने लिखा है, राइटर इज माधव गोडबोले, ठीक है, माधव गोडबोले. वट इज द डेविन एआई रिसेंटली सीन इन न्यूज़, सो डेविन एआई रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है, ठीक है, कॉमेंट कर दो जिसको आंसर पता है. इफ यू डू नॉट नो द आंसर इज दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डीआई, डेविन एआई, ठीक है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट, सो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये यूएस बेस्ड कंपनी ने बनाया है, ठीक है. एंड हाउ मेनी साइट्स रिसेंटली एडेड इन द रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया, आंसर इज टू, ठीक है, टू होगा आंसर. सो दो रिसेंटली रामसर साइट में ऐड किया गया इंडिया में, ठीक है. सो दीज आर द रामसर साइट्स विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, आई कैन नॉट डिस्क्राइब एवरीथिंग हियर, इट इज़ देयर इन द मैप, ठीक है. सो दे आर द रामसर साइट्स, एंड इंपॉर्टेंट रामसर साइट इन वेस्ट बंगाल इज द ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड, सो दिस इज अ रामसर साइट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है. सो रिसेंटली नंबर ऑफ वेटलैंड्स विच हैव बीन एडेड इन इंडिया इज टू, ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया आर 82, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है. सो दीज आर नॉट क्वाइट रिलेवेंट टू जो रामसर साइट है रिसेंटली ऐड किया गया है, ठीक है. दीज टू साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर लोकेटेड इन बिहार, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड इन रामसर इन ईरान इन 1971. सो रामसर एक साइट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ईरान में लोकेटेड है, ठीक है. इट वॉज रेटिफाइड बाई इंडिया इन 1982, दैट मीन्स इंडिया में जो रामसर का लॉ जो है इम्प्लीमेंट कब से हुआ, 1982 से इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, ऑल्दो इट वॉज साइंड इन 1971. वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी 1971. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये बहुत बार पूछा जाता है, 2 फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में वर्ल्ड जो है रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, ठीक है. इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन इन 1 फरवरी 1982, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी कन्फर्ड दी द्रौपदी मुर्मू विद द ऑनररी डिग्री डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, ठीक है, विच यूनिवर्सिटी, आंसर इज द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस. सो यूनिवर्सिटी मॉरिशियस ने इनको डॉक्टर का जो है डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ जो डिग्री है उनको अवार्ड किया गया था, ठीक है. सो रिसेंटली समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, सो समिट कॉन्फ्रेंस भी पूछा जाता है. सो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखर इनाग्रेटेड दी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS इन दिल्ली, ठीक है. सो WSDS 2024 इज द 23rd एडिशन ऑफ द समिट, सो 23वां एडिशन था ये. किसने इनाग्रेट किया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में. एंड विल टेक प्लेस द थीम लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. सो ये थीम भी इंपॉर्टेंट है कि किस थीम में ये जो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, जो थीम है लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे हुआ था,
ये हुआ था स्विट्जरलैंड डाबोज में हुआ था, ठीक है, डाबोज में हुआ था। 54th Annual Meeting ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। थीम क्या था? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट वॉज द थीम। थीम अगेन रीबिल्डिंग द ट्रस्ट। इंडिया लॉन्च ग्लोबल गोल्ड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है, इन दिस समिट, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट, ठीक है। सो दिस वाइब्रेंट गुजरात समिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑर्गेनाइज रिसेंटली, दिस इज ऑर्गेनाइज बाई गुजरात और द इंडियन गवर्नमेंट एवरी ईयर, ठीक है। सो 10th वाइब्रेंट समिट कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये कौन सी एडिशन है? 10th, आपको याद रखना है। इसका थीम क्या था? गेट वे टू द फ्यूचर, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज, इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड फर्स्ट टाइम चेयर टू चेयर एंड होस्ट द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। सो 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो चेयरपर्सन है इंडिया है रिसेंटली, ठीक है। ये दिल्ली में किया जा रहा है। सो दिस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग है इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन दिल्ली, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। एंड इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरट्स जॉइन द ब्रिक्स, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स में नया मेंबर्स आया है। सो पहले तो ब्रिक्स में क्या होता था कि ब्रिक्स दैट मीन्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, ठीक है। नाउ ब्रिक्स इज नॉट अ एक्रोनिम एनीमोर, ठीक है। ब्रिक्स हैज़ अदर मेंबर्स, सो दीज अदर मेंबर्स इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरट्स, ठीक है। सो रशिया टेन्योर एज चेयरपर्सन ऑफ ब्रिक्स बिगिंस फ्रॉम जनवरी। सो करेंट चेयरपर्सन ऑफ द ब्रिक्स इज रशिया, ठीक है। सो यहाँ पे जो ब्रिक्स का जो चेयरमैन है वो नेम के अकॉर्डिंग चलता है। सो अभी रशिया है, उसके बाद इंडिया आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स विल बी इंडिया, देन चाइना, देन साउथ अफ्रीका, देन ब्रिक्स, ऐसे रिपीट होते हैं, ठीक है। 27 WAIPA वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड फ्रॉम 11 December 2023 न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉरम 2023 का मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इन यूज्ड इन 2023, ठीक है, 2023-24। एंड विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर? आंसर इज पेरू। पेरू में जो है बहुत सारा डेंगू का केसेस आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन अनाउंस किया गया। द वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2023 रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, ठीक है। IQ एयर विल लॉन्च दिस जो रिपोर्ट है, दिस इज बींग लॉन्च्ड बाई द स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। सो बांग्लादेश इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, इंडियाज पोजिशन इज थर्ड, ठीक है, सेकेंड इज पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 96% ऑफ इंडियाज पोल्यूशन फेसेस पॉपुलेशन फेसेस PM 2.5, ठीक है। सो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन पोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। 10 ऑफ द टॉप 11 पोल्यूटेड सिटीज वर इंडियन, सो दिस इज वेरी कंसर्निंग, ठीक है। सो लाहौर वॉज द ओनली एक्सेप्शन। सो आउट ऑफ 11 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, 10 वर फ्रॉम इंडिया, 10 वर फ्रॉम इंडिया एंड ओनली वन विच इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, दैट इज़ लाहौर, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन फॉर इंडिया, ठीक है। दिस इज़ अ सिचुएशन विच इंडिया हैज़ टू थिंक अबाउट, ठीक है, हाउ टू टैकल द एयर पोल्यूशन। What is the rank of India recently released in Global Human Development Index? Human Development Index, which is the HDI. ठीक है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, कॉमेंट करो। एंड आई वुड लाइक टू सी दैट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ 3 कैटेगरीज, ठीक है, 3 पैरामीटर्स ऑन विच द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द पीपल आर जज्ड। फर्स्ट इज़ हेल्थ, एडुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि विच आर द पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर, ठीक है। हेल्थ, एडुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स लिविंग एंड 134 है इंडिया का रैंक, ठीक है। एंड जो SDI रिपोर्ट कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, ये कॉमेंट करो कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड इंडिया जो इट्स नेबर श्रीलंका आर रैंक 75 and 78 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो इंडिया इज क्लासिफाइड मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है।
एंड रिसेंट इंडेक्स के बारे में जानते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वी टॉक्ट अबाउट इट, ठीक है, वी डिस्कस्ड इट अबाउट इट इन डिटेल. डेनमार्क का जो है जो पोजीशन था, इसका फर्स्ट था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, यहाँ पे सबसे लीस्ट होता है, ठीक है. वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट इट. ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया का यूएसए का रैंक 1 है एंड इंडिया का रैंक 3 है, ठीक है. सो इंडिया में थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स पाया जाता है स्टार्टअप यूनियन, ठीक है. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 7th है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 7th है. सीप्री रिपोर्ट, ठीक है, सीप्री इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच प्रोड्यूसेस अ रिपोर्ट अबाउट द आर्म्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, ठीक है. सो विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म इम्पोर्टर बिटवीन 2019 एंड 23, ठीक है. आंसर इज इंडिया. सो इंडिया इम्पोर्टेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ द आर्म्स, ठीक है, बिटवीन 2019 एंड 23. सो इंडिया एक्सपोर्टेड 11% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म्स, ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सो सीप्री इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच बेसिकली सपोर्ट्स द यूसेज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ आर्म्स, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो इंडिया आफ्टर इंडिया सऊदी अरेबिया इम्पोर्ट्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ द वेपन्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है. विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. आंसर इज मुंबई. सो मुंबई हैज़ वॉन द रणजी टाइटल आफ्टर 8 years, ठीक है. सो रणजी इज an important cricket trophy in India and Ranji, Mumbai defeated the Vidarbha, theek hai, so in Wankhede Stadium in Mumbai. Where did the PM Modi lay the foundation stone of India's first commercial semiconductor fabrication device, theek hai. Answer kya hai, answer hai Gujarat, theek hai. So semiconductor fabrication jo device hai uska jo first jo hai commercial semiconductor fabrication service ka center कहाँ पे इनाग्रेट किया गया है, गुजरात में, ठीक है. सो टाटा पावर क्रॉप विल बी स्टैब्लिशिंग दिस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प, ठीक है. सेमीकंडक्टर जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो फ़ोन में जितने भी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पे सेमीकंडक्टर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है. सो दैट मीन्स इट विल बी द इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस, ठीक है. एंड इन विच स्टेट डेट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेट द कोचराप आश्रम, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. कोचराप आश्रम इज आश्रम वेयर द गांधी जी स्टेड, ठीक है. सो इंडिया गांधी जी ने ये इस्टेब्लिश किया गया था, तो यहाँ ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, गुजरात में, ठीक है. कोचराप आश्रम, दिस इज लोकेटेड नियर द साबरमती आश्रम, ठीक है. एंड इट इज लोकेटेड इन द साबरमती, ठीक है. मोदी सेड दैट मार्च 12 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन दिस डे बापू स्टार्टेड द दांडी मार्च. एंड कोचराप आश्रम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट आश्रम स्टैब्लिश बाई महात्मा गांधी आफ्टर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. सो महात्मा गांधी इंडिया में आए थे 1915 में, ठीक है. इनके जो इंडिया में आने के बाद इन्होंने आश्रम स्टैब्लिश किया था एंड ये आश्रम जो फर्स्ट आश्रम था कोचराप आश्रम, ठीक है. एंड हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. आंसर इज नायब सैनी. सो नायब सैनी इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द हरियाणा, ठीक है. Who has been appointed as the new Vigilance Commissioner by the CVC? ठीक है. Answer is A.S. Ravi. ठीक है. Central Vigilance Committee was established in the year 2003 by the CVC Act. First CVC was Nitur Srinivasa Rao. So this is very important. First, this is a GK fact as well. ठीक है. So first CVC was Nitur Srinivasa Rao. And since 2004, Commission receives the complaints under the public, ठीक है. सो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन. सो दिस इज एन एंटी करप्शन बॉडी, ठीक है. यूनेस्को इन न्यूज़. सो यूनेस्को बहुत सारा कारण टॉपिक के कारण इस बार न्यूज़ में था, इसीलिए यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनेस्को ने गुजरात का जो गरबा डांस है यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिसेंटली विच डांस वॉज इंक्लूडेड इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को. आंसर इज गरबा. गरबा डांस is the 15th intangible cultural heritage of India to be included in this list, theek hai. So this is the 15th number bhi yaad rakhna hai. And Kozhikode in Kerala has been designated as UNESCO's city of literature, theek hai. So this is very important, city of literature Kozhikode. And Gwalior city of music, theek hai. So this is again important. Ye kis mein include kiya gaya hai, UNESCO list of creative cities network, theek hai. Kozhikode kis mein, city of literature, Gwalior city of music, गरबा
intangible cultural heritage. Nepal's the temples of Hoysala in Karnataka, India officially added in UNESCO list of heritage site. Okay, so again, temple of Hoysala, which is located in Karnataka, has been added in the World Heritage Site list. Okay, so with this inclusion, India mein kitne abhi World Heritage Site hai? Okay, number hai 42. Shanti Niketan, ye West Bengal jike hai. Okay, West Bengal ke liye important current affairs. Shanti Niketan was also included in the UNESCO World Heritage Site. Okay, Shanti Niketan was the 41st World Heritage Site. So before Hoysala Temple was included in Karnataka in UNESCO World Heritage Site, the Shanti Niketan was the 41st, okay, or the latest to be included in this list. Now it is the Hoysala Temple of Karnataka. Okay, so UNESCO ke baare mein jante hain. UNESCO formed hua tha 16 November 1945 mein, and headquarters is located in Paris, France. Okay, so this is a very important current affairs of this year, I would say. Okay, so you have to remember each of it. Who won the Best Actor Award in the Academy Award 2024? Answer is pretty simple, Cillian Murphy. Okay, so Barbie has received the award for the original song. Okay, and Cillian Murphy was given the Best Actor Award for the film Oppenheimer. Okay, so Best Picture Oppenheimer, Best Directing Christopher Nolan. Okay, Best Actor in the Leading Role Cillian Murphy, Best Actress Emma Stone for Poor Things. Okay, Best Actor in the Supporting Role Robert Downey Jr. in Oppenheimer. Okay, so almost every award was taken by the Oppenheimer. Best Actress in Supporting Role. Okay, Vine Joy. Okay, so Vine Joy and Vine Joy. Okay, so others are not quite important. Okay, so you have to remember this Oscars 2024 winners. So this is again important point. Noctis volcano recently discovered a massive volcano, okay, which is found in where? Mars. Okay, this is found in Mars. So Noctis volcano kahan pe? Mars mein hai. Okay, theme of the vaccination day 2024, vaccination day ka theme kya tha? Vaccines work for all. Okay, vaccines work for all. So this is just the theme, you need to remember the theme only. Okay, and the date, which is March 16th. Which country is the world's largest producer of 16 critical minerals, including the cobalt and the rare earth elements? So rare earth elements are very important, which includes nickel, cobalt, okay, manganese, etc. So they are important for manufacturing of semiconductors, and which are used in the mobile phones and other electronics manufacturing. So which country is the largest producer of the these rare earth elements? Okay, so ye GK ka bhi fact hai, economics ka fact hai. Okay, answer is E, which is China. So China has the highest number of the rare earth and cobalt mines. Blue line term. Okay, blue line, we recently discussed about the blue line. So ye kis country ke border hai, kis country ke beech mein blue line border hai, we just discussed about it. Okay, watch again the video. Otherwise, if you know, comment in the comment section which is the boundary between which country. Okay, I'll not discuss about it. Okay, recently researchers discovered new scorpion species with 8 eyes and 8 legs. Okay, scorpion mein 8 aankh hai, 8 jo hai paav hai inka. Okay, so which is the country where it was found, this type of scorpion? Answer is Thailand mein ye paaya gaya tha. Okay, recently who has been appointed as new CEO of the World Gold Council? Okay, answer is Sachin Jain. Sachin Jain World Gold Council ka jo hai new CEO bana hai. Okay, and what is the rank of India in the Gold Council? Okay, India is ranked 9th globally. Okay, so highest number of the gold reserve in the country is in US. Okay, India ka 9th hai rank, ye yaad rakhna aapko. The Mangyatsu region, recently seen in news for man-made methane leak, is located in which country? So methane leak hua tha ye region mein, ye kahan pe located hai? Okay, you can see in the picture, Mangyatsu, it is located in Kazakhstan. Okay, so places and news mein type ka question pucha jayega. Pabitora Wildlife Sanctuary, recently seen in news, is located in which state? Okay, so answer is C, Assam mein hai Pabitora Wildlife Sanctuary, and this is very important because Pabitora mein jo India ka jo hai largest number of jo hai one horned rhinoceros paya jata hai yahan pe, greater one horned rhinoceros, world ka largest, not only of India but the world ka largest. Okay, ye important bird area bhi hai. And this tag was given by Birdlife International. Okay, Operation Rising Sun, recently seen in news, is located, related to which of the following? Operation Rising Sun. Okay, this is related to smuggling of foreign origin gold.
ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज लॉन्च बाय DRI डेप्यूटी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने लॉन्च किया था ये ऑपरेशन राइजिंग सन स्मगलिंग ऑफ फॉरेन ऑरिजिन गोल्ड. ठीक है. सो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार SSC में स्टेट PCS में पूछा गया है, स्पेशली बैंक्स में भी ये पूछा जाता है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है, फॉर डिसमिनेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वॉज इनॉग्रेटेड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिफोर वी टॉक अबाउट इट लेट अस डिस्कस दी इंडिया का जो डेट लाइन है. इंडिया का डेट लाइन इज द 82.5 डिग्री ईस्ट. ठीक है, सो दिस इज द इंडियाज डेट लाइन एंड दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड एंड दिस पासिस थ्रू दी मिर्ज़ापुर इन UP. ठीक है, एंड इंडियाज डेट लाइन है इट इज जो है इट इज पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, 6 स्टेट्स विच आर UP मध्य प्रदेश, सॉरी 5 स्टेट्स UP मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. ठीक है, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज. सो इट पासिस थ्रू ओनली 5 स्टेट्स. एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द स्टेट्स थ्रू विच द डेट लाइन ऑफ इंडिया पासिस. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट एंड द आंसर इज मुंबई. सो मुंबई में नेशनल टाइम प्रोटोकॉल फॉर डिसमिनेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वॉज इनॉग्रेटेड. ठीक है, सो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पीयूष गोयल. ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द प्रसार भारती एंड आंसर इज नवनीत कुमार सेगर. ठीक है, नवनीत कुमार सेगल इज एन IAS ऑफिसर एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती. प्रसार भारती इज इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चैनल. ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, फुट एंड माउथ डिजीज. कॉमेंट करो कॉमेंट सेक्शन में कि उस टाइप ऑफ डिजीज इट इज इट फुट एंड माउथ डिजीज. आंसर इज वायरल डिजीज. सो दिस इज कॉज बाय वायरस. ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज हैज 60% हिट द 60% ऑफ मिल्स कैटल इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. सो पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो देयर. ठीक है, इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश. वॉट इज द KKLR3 रिसेंटली सीन इन न्यूज. सो वॉट इज इट कॉमेंट करो. आंसर इज सॉल्ट टॉलरेंट पैडी वेराइटी. सो राइस का एक वेराइटी है ये. ठीक है, KKLR3 एंड इट इज इन न्यूज बिकॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंट्रोड्यूस्ड दिस. ठीक है, KKLR3 राइस. What is the mascot of Khelo India Winter Games 2024? Answer is D. SEN-EC. ठीक है, सो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो इसका है मास्कॉट है एक स्नो लेपर्ड का नाम है एंड स्नो लेपर्ड का नाम है SEN-EC. ठीक है, सान. अबाउट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024. ठीक है, दिस इज द फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स एंड इट इज हेल्ड एनुअली. ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज मेकिंग द डेब्यू एज होस्ट. सो लद्दाख में ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स. नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच यूनिवर्सिटी. आंसर इज वेरी सिंपल, D बनारस यूनिवर्सिटी. ठीक है, यहाँ पे DNA का जो फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश किया जाता है. ठीक है, सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एंड इट वॉज फाउंडेड बाई पंडित मदन मोहन मालविया. ठीक है, ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर एंड इट द सेंट्रल हिंदू कॉलेज वॉज फाउंडेड बाई इंडियन होम रूल लीग और थियोसोफिस्ट एनी बेस इन 1898. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज फाउंडेड बाई मदन मोहन मालविया बट द सेंट्रल हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई दी एनी बेसेंट. ठीक है, एनी बेसेंट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वेमेन टू प्रिसाइड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, INC का जो सेशन था उसमें प्रिसाइड करने वाली फर्स्ट वुमेन थी एनी बेसेंट. एनी बेसेंट वॉज फ्रॉम आयरलैंड. ठीक है, सो आयरिश थी. इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था 1898 में. इब्राहिम इस्कंदर हैज़ बिकम द न्यू सुल्तान ऑफ विच कंट्री. ठीक है, इब्राहिम इस्कंदर ही हैज़ बिकम सुल्तान ऑफ मलेशिया. ठीक है, मलेशिया का 7th किंग बने हैं ये. ठीक है, सो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के नाम देखते हैं. कॉमोरोस का जो न्यू जो प्रेसिडेंट और न्यू प्रीमियर बना है अजाली असोमानी. प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला बर्नार्डो एवेलारो. ठीक है, ताइवान का विलियम लाई. ठीक है, एंड डेनमार्क का फेडरिक्स किंग फेडरिक्स. एंड इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट द एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024. ठीक है, वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करता है. ये कहाँ पर कंडक्ट किया जाता है? पोखरण एयर रेंज में. ठीक है, ये कहाँ पर है? जैसलमेर है. एंड फर्स्ट एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज
सादा तसिक बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर द रीसेंट एक्सरसाइजेस, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सादा तनसिक. सो सादा तनसिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एन एक्सरसाइज विच इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन इंडिया एंड साउथ अरेबिया, ठीक है. सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में जो पहला मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, सादा तनसिक, ठीक है. डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किस किस के बीच में होता है, इंडिया फ्रांस एंड यूएई, ठीक है. ये भी कॉमन है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज. 11th एडिशन ऑफ खंजीर एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच में होता है, इंडिया किर्गिस्तान, ठीक है. कहाँ पे, बलोक हिमाचल प्रदेश में हुआ है. खंजर किस किस के बीच में, इंडिया एंड कजाकिस्तान किर्गिस्तान, ठीक है, इंडिया एंड किर्गिस्तान. सेकेंड एडिशन ऑफ साइक्लोन एक्सरसाइज, साइक्लोन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में होता है ये. फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवी एक्सरसाइज एक्स अयुथया इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज एक्सरसाइज एंड विच एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज, ठीक है. सो आपको ये सब याद रखना. एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड डैश एज द इट्स कंट्री डायरेक्टर, ठीक है. किसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है कंट्री का डायरेक्टर बनाया इंडिया का, ठीक है. इससे पहले ये इसका आंसर दो, आप कॉमेंट करो वेर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड, हेडक्वार्टर कॉमेंट करो जल्दी से. सो आंसर इज मियोका, ठीक है. सो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अपॉइंटेड द मियोका एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है. एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंड हुआ था 19 दिसंबर 1966, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में है. प्रेसिडेंट मासात्सुगु, ठीक है, असाकावा. वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा, ही वॉज ऑल्सो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रीवियसली, ठीक है. डायरेक्टर ऑफ ADB फॉर इंडिया मियोका. मेंबर कंट्री 68 है, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. हाउ मेनी जेल्स अक्रॉस इंडिया हैव बीन सर्टिफाइड अंडर ईट राइट कैंपस बाय फसाई, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ईट राइट कैंपस में कितने जेल को सर्टिफाइड किया है, ईट राइट कैंपस, ठीक है. ईट राइट कैंपस इज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ FSSI, ठीक है. FSSI इंडिया में जो फूड का क्वालिटी है, फूड का स्टैंडर्ड है, ये टेस्ट करता है. इसका एक बॉडी है फूड स्टैंडर्ड टेस्ट करने के लिए, ठीक है. कितने जेल्स, आंसर इज ई 100 जेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट डिड PM मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर WBCS, ठीक है. सो इंडिया के जो फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, वेस्ट बंगाल में. सो दिस इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन. एंड वेस्ट बंगाल के बारे में जानते हैं, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट एनिमल है, फिशिंग कैट है, स्टेट बर्ड है, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, स्टेट ट्री है डबल ट्री, ठीक है. एंड स्टेट फ्लावर है नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन है. स्टेट नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार एंड सिक्किम. सो चार स्टेट्स वेस्ट बंगाल को सराउंड करता है. एंड वेस्ट बंगाल तीन कंट्री से लगा हुआ है, विच इज़ द नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश. सो दीज आर द थ्री नेबरिंग कंट्रीज ऑफ दिस वेस्ट बंगाल, ठीक है. वेस्ट बंगाल का जो स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है, स्टेट ट्री है, सभी आपको याद रखना. द प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इन कोलकाता, ठीक है. सो ये कहाँ पे है, हुगली रिवर में है, ठीक है. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द मिलिट्री अलायंस नाटो. सो वी डिस्कस्ड अबाउट इट, आंसर इज स्वीडन, ठीक है. स्वीडन बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है. स्वीडन कहाँ पे है, स्वीडन यहाँ पे है, ठीक है. स्वीडन का कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है, ठीक है. सो ये कहाँ पे पड़ता है, स्कैंडिनेविया में. सो स्कैंडिनेवियन डीज स्वीडन नॉर्वे एंड जो है फिनलैंड. सो दीज कंट्रीज आर इन द स्कैंडिनेवियन रीजन, ठीक है. सो दिस आइलैंड इज द कॉल्ड द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है. सो नॉर्वे का जो कैपिटल है ऑस्लो में है, स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम में, एंड फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक है. कैपिटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जीकेज है. सो प्राइम मिनिस्टर स्वीडन का क्या है, उल्फ क्रिस्टस, कैपिटल स्टॉकहोम है. नाटो सेक्रेटरी जनरल कौन है, जनरल जेंस स्टोलनबर्ग, ठीक है. जनरल जेंस स्टोलनबर्ग. एंड विच स्टेट हैज़ लॉन्च द विडो रिमैरिज प्रमोशन स्कीम रिसेंटली, ठीक है. सो ही इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट. सो नाउ यू कैन ईजिली आंसर दिस क्वेश्चन. एंड ही हैज़ बीन इन कंट्रोवर्सी रिसेंटली, ही वॉज इन जेल बट नाउ ही हैज़ गॉट बेल एंड नाउ ही हैज़ अगेन बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट एंड द स्टेट इज झारखंड. सो झारखंड में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इज गिविंग दी विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम, ठीक है. विडो को रीमैरिज करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है. उसके लिए जो मॉनिटरी बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है. एंड टॉकिंग अबाउट झारखंड, झारखंड इज़ हैज़ अ गवर्नर CP राधाकृष्ण, ठीक है. इट इज़
सो गवर्नर ऑफ झारखंड इज सी पी राधा किशन नाउ, ठीक है. एंड द इट इज़ 15th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है. एंड 14th लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है. सिटी जो है रांची कैपिटल है, डुमका सब कैपिटल है, रांची एंड डुमका, ठीक है. सो हु हैज़ रिसेंटली बिकम न्यू मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वी डिस्कस अबाउट इट. 100th मेंबर इज पैराग्वे, ठीक है. सो 97th मेंबर वॉज पनामा, 97th मेंबर वॉज पनामा, ठीक है. सो डीजी है आईएसए का, कौन है, अजय माथुर है. फर्स्ट असेंबली कहाँ हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था 2018 में, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है. सिक्स्थ असेंबली ऑफ आईएसए कहाँ पे किया जा रहा है, भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान में, ठीक है. सो भारत मंडपम वॉज ऑल्सो वेन्यू ऑफ वॉट, दी G20 समिट. सो इंडिया होस्टेड द G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो जो भारत मंडपम है यहाँ पे जो सिक्स्थ असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसका भी जो है मेज़बानी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव दी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इन द स्टेट, एंड आंसर इज उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी स्टार्ट किया है. उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीट है, ठीक है. सो यहाँ पे 80 सीट्स आर देयर फ्रॉम द लोकसभा. सो फॉर दिस रीजन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, ठीक है. सो प्रणब मुखर्जी ने एक बार कहा था कि इफ ही वॉज फ्रॉम यूपी ही हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है. सो दैट मीन्स यूपी में, यूपी का जो भी एमपी है, दे हैव अ हाई इम्पोर्टेंस इन इन अ पार्लियामेंट, बिकॉज यूपी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा, ठीक है. सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द जो चीफ जो प्राइम मिनिस्टर है दे आर फ्रॉम द यूपी, ठीक है. सो राज्यसभा में सीट है 31, ठीक है. लेजिस्लेटिव असेंबली में यूपी का सीट है 403. एंड फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, जो थी वो यूपी के थी, उनका नाम था सुचेता कृपलानी. सो सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन द कंट्री, ठीक है. फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कंट्री वॉज ऑल्सो फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड हर नेम वॉज सरोजनी नायडू, ठीक है. सरोजनी नायडू वॉज फ्रॉम यूपी, ठीक है. इंडियाज़ फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ पार्क, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है यूपी का. एंड फर्स्ट स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज पुरुषोत्तम दास टंडन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेट असेंबली का फर्स्ट जो स्पीकर बनाया वो था पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है. वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एस्टैब्लिश रिसेंटली, आंसर इज हिसार. हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है. किसने लॉन्च किया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है. ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा फॉर द स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री, ठीक है. सो आई एम मूविंग वेरी फास्ट बिकॉज आई हैव लेस टाइम, ठीक है. बहुत कम टाइम में कवर करना है, देर आर सो मेनी MCQs, ठीक है. एंड MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ऑल दीज MCQs दैट इज़ बीइंग कवर्ड हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो हुम सनराइजर्स हैदराबाद अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन. सो IPL रिसेंटली हुआ था, IPL में सनराइजर्स हैदराबाद ने किसको अपॉइंट किया है एज अ कैप्टन, आंसर इज पैट कमिंस, ठीक है. पैट कमिंस ने रिसेंटली IPL में रिकॉर्ड भी बनाया, ठीक है. ICC T20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, हैट्रिक लेकर, ठीक है. ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. पैट कमिंस वॉज बॉट बाई हैदराबाद फॉर ₹20.5 crore, ठीक है. एंड ही बिकेम द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर सोल्ड इन द IPL हिस्ट्री, ठीक है. एंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इज द मिचेल स्टार्क सो फार. सो मिचेल स्टार्क वॉज सोल्ड टू कोलकाता नाइट राइडर्स एट ₹24.75 crore इन 2023, ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसा इज द ट्राइबल कस्ट्यूम ऑफ विच स्टेट विच हैज़ गॉट द GI टैग. सो रिसेंटली GI टैग वॉज गिवन टू अ प्रोडक्ट, ठीक है. रिसा इज फ्रॉम विच स्टेट, त्रिपुरा, ठीक है. सो GI टैग 1999 में पहली बार दिया गया था, किसको दिया गया था, दार्जिलिंग टी, ठीक है. सो दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट द GI टैग. एंड त्रिपुरा का जो है रिसा एक ट्राइबल अटायर होता है, उसको GI टैग दिया गया है, ठीक है. द फेमस सिल्वर ताराक्षी ऑफ कटक has also been given the GI tag. So silver taraksi कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है. सो कौन सी प्रोडक्ट कहाँ का है ये पूछा जा सकता है सो फार एज GI tag is concerned, ठीक है. एंड इंपॉर्टेंट डेज नेशनल सेफ्टी डे मार्च, ठीक है. इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस मार्च 5, वी टॉक्ट अबाउट इट. इंटरनेशनल वुमेंस डे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है.
आज बार थीम क्या है, इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सलरेट द प्रोग्रेस। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च है, ठीक है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जेनरिक मेडिसिन। ठीक है, CISF का जो रेजिंग डे है ये मार्च 10 है। ठीक है, सो वीमेंस डे के लिए इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, आपको मैं स्टैटिक फैक्ट्स लेके आया हूँ। वीमेंस डे 8th of March था, इसीलिए सो वीमेंस डे स्पेशल में मैं कवर कर रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट वीमेंस था इंडिया में, इसका इसके बारे में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट्स एज वेल। कल्पना चावला एज वी ऑल नो इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू गो इन टू स्पेस। ठीक है, एंड देर इज अन्ना गोपाल जोशी वॉज द फर्स्ट वीमेन टू अपटेन द 2-year मेडिकल डिग्री MD इन द US। ठीक है, सो इंडिया का जो फर्स्ट डॉक्टर थी, इंडिया का फर्स्ट फीमेल डॉक्टर सीज थी अनादि गोपाल जोशी। सरला ठकराल वॉज द फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडिया। ठीक है, सो फर्स्ट फीमेल पायलट वॉज सरला ठकराल। अनादि गोपाल जोशी वॉज फर्स्ट फीमेल डॉक्टर। ठीक है, याद रहेगा आपको, रट्टा मारिए, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। अयला सोमा अलियालुजा ललिता सी ए ललिता वॉज फर्स्ट फीमेल इंजीनियर। ठीक है, ए ललिता, रिमेंबर दिस। दुर्गाबाई कामत वॉज दी मराठी एक्ट्रेस, वॉज द फर्स्ट एक्ट्रेस इन इंडियन सिनेमा। ठीक है, दुर्गाबाई कामत, रिमेंबर हर नेम, दुर्गाबाई कामत। कमला सोनी वॉज फर्स्ट वीमेन टू अर्न द PhD इन साइंटिफिक डिसिप्लिन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, सी गॉट द PhD इन 1939, कमला सोहानी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्रीबाई फुले। ठीक है, 1848, फर्स्ट वीमेन IPS किरण बेदी, फर्स्ट वीमेन ऑटो रिक्शा ड्राइवर शीला दरवे, फर्स्ट फीमेल पायलट सरला ठकराल। ठीक है, फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव, फर्स्ट फीमेल रफाले पायलट, ठीक है, शिवांगी सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी वो, फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर, ठीक है, कैप्टन लक्ष्मी सेगल, सी वॉज दी INA ऑफिसर इंडियन नेशनल आर्मी विच वॉज फाउंडेड इन सिंगापुर बाय दी कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस। सुभाष चंद्र बोस लीडर ऑन टुक ओवर द अथॉरिटी ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज इंदिरा गांधी, फर्स्ट फीमेल इंजीनियर ऑफ इंडिया ललिता अयला सोमालिया जा। ठीक है, सो ए ललिता, फर्स्ट फीमेल लॉयर कॉर्नेलिया सोराब जी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुजेता कृपलानी, फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस ऑफ इंडिया दुर्गाबाई कामत, फर्स्ट फीमेल बैरिस्टर ऑफ इंडिया, बैरिस्टर इज अ टर्म फॉर लॉयर इन UK। ठीक है, UK में लॉयर को बैरिस्टर कहा जाता है, कॉर्नेलिया सोराब जी। ठीक है, सो कर्नेलिया सोराब जी वॉज फर्स्ट फीमेल बैरिस्टर एज वेल एज लॉयर, सो UK में से की थी इन्होंने, इसीलिए इनको बैरिस्टर कहा जाता है। फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडिया भावना कांत, ठीक है, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट भावना कांत, फर्स्ट फीमेल न्यूरोसर्जन, ठीक है, थांजावुर कनाका, ठीक है, फर्स्ट फीमेल न्यूरोसर्जन, फर्स्ट फीमेल एयरलाइन पायलट दुर्गा बैनर्जी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखना, एयरलाइन पायलट है दुर्गा बैनर्जी, फीमेल जो फाइटर जेट है, ठीक है, वो भावना कांत है, फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, फीमेल साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कमला सोनी, फीमेल IFS ऑफिसर इंडिया का फर्स्ट IFS ऑफिसर है चोनरिया बेलियाप्पा मुतम्मा। ठीक है, फर्स्ट IFS ऑफिसर, फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर चंद्रानी प्रसाद वर्मा, फर्स्ट फीमेल CM ऑफ इंडिया सुचेता कृपलानी, फर्स्ट एजुकेटेड फीमेल ऑफ इंडिया, इट इज़ जनरली सेड दैट सावित्रीबाई फुले वॉज फर्स्ट एजुकेटेड फीमेल। ठीक है, फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर कल्पना सरोज, फर्स्ट फीमेल डेंटिस्ट विमल सूद, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC एनी बीसेंट। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC एनी बीसेंट, वी टॉक्ट अबाउट इट, फर्स्ट वीमेन यूनियन मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर, सी वॉज दी हेल्थ मिनिस्टर इन द इंडियाज फर्स्ट कैबिनेट। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, इंडियाज फर्स्ट वीमेन द रूलर, ठीक है, रजिया सुल्तान, फर्स्ट वीमेन टू गेट द अशोक चक्र निर्जा बनोट। ठीक है, फर्स्ट वीमेन टू गेट द प्राइज नोबल प्राइज मदर टेरेजा 1979 में मिला था इनको। ठीक है, ईयर भी पूछा गया था बहुत बार WBCS SSC में। फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट बेचांदरी पाल 1984 में क्लाइम किया था इन्होंने। फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बिकम द मिस वर्ल्ड रीता फरिया 1966। फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बिकम द मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस रीता फरिया था। ठीक है, मिस वर्ल्ड जो फर्स्ट थी, मिस यूनिवर्स फर्स्ट कौन थी कमेंट करो। फर्स्ट वीमेन टू गेट द ज्ञानपीठ अवार्ड
आशापूर्णा देवी 1976 में मिला था, फर्स्ट वीमेन टू गेट टू विन दी एशियन गेम्स में, जो इन्होंने इनको मिला क्या मिला था, गोल्ड मिला था. कमलजीत संधु फर्स्ट वीमेन टू विन द बुकर प्राइज, अरुंधति रॉय 1972, ठीक है 1992 में बुकर प्राइज मिला था, फर्स्ट इंडियन वीमेन, ठीक है. एंड फर्स्ट वीमेन म्यूजिशियन टू गेट द भारत रत्न, एम एस सुब्बलक्ष्मी, ठीक है. फर्स्ट वीमेन टू गेट द भारत रत्न, फर्स्ट फर्स्ट वीमेन म्यूजिशियन, ठीक है. फर्स्ट वीमेन टू विन द डब्ल्यू टी ए टाइटल, सानिया मिर्जा 2005 में मिला था. सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट वीमेन इन न्यूज, ठीक है, वीमेन इन जनरल नॉलेज. यू हैव टू नो द फर्स्ट, ठीक है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन स्नाइपर ऑफ BSF. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर इज द सुमन कुमारी. सुमन कुमारी हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन स्नाइपर ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था. हेडक्वार्टर कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है. डायरेक्टर जनरल जो है BSF का वो कौन है, नितिन अग्रवाल, ठीक है. मेलानो कैलिमस कैमलिस द्रौपदी, ठीक है. सो फ्रॉम द नेम द्रौपदी इटसेल्फ सजेस्ट दिस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू. सो दिस इज अ रिलेटेड टू वॉट, दिस इज अ मरीन स्पीसीज. सो रिसेंटली अ मरीन स्पीसीज वॉज फाउंड एंड इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है. सो दिस इज अ मरीन स्पीसीज, जस्ट रिमेंबर दिस. एंड इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन दिघा ऑन वेस्ट बंगाल, ठीक है. एंड वर डिड द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च द ICMR एडवांस सेंटर, कहाँ पे लॉन्च किया था डॉक्टर मनसुख मांडविया में, कहाँ पे, एम्स न्यू दिल्ली में, ठीक है. क्या था ये, आयुष ICMR एडवांस सेंटर, ठीक है, आयुष का एक एडवांस सेंटर है. एक्साइज समुद्र लक्ष्मणा वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, समुद्र लक्ष्मणा, ठीक है. आंसर इज मलेशिया, ठीक है. सो मलेशिया एंड इंडिया के बीच में जो एक्साइज होता है उसका नाम क्या है, समुद्र लक्ष्मणा, ठीक है. एंड दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द एक्साइज. ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाई यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है. यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP लॉन्च दिस ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट 2024, ठीक है. दिस इज द सिक्स्थ रिपोर्ट एंड द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP इज लोकेटेड इन नैरोबी विच इज इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री, विच इज एन अफ्रीकन कंट्री. वेर इज द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप बींग ऑर्गेनाइज, सो एशिया का जो वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ इट्स काइंड इज बींग ऑर्गेनाइज इन दिस प्लेस एंड द नेम इज शिमला. सो शिमला में इंडिया का जो है फर्स्ट एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप इज बींग ऑर्गेनाइज ऑन द सतलुज रिवर, ठीक है. सतलुज रिवर कहाँ पर ऑरिजिनेट होता है, कॉमेंट करो कॉमेंट सेक्शन में. हु टुक द ओथ एज 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये कमेंट करो रिसेंटली कौन पाकिस्तान का न्यू प्राइम मिनिस्टर बना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है. विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक कहाँ पे इनाग्रेट किया गया, आंसर इज उज्जैन, उज्जैन में इनाग्रेट किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक है ये, ठीक है, यूजिंग ट्रेडिशनल इंडियन पंचनाग, ठीक है, पंचनाग सिस्टम जो सन को ट्रैक करके जो है इसका टाइम कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉक एंड इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन दी उज्जैन, ठीक है. सो दिस इज एन अनदर क्वेश्चन. ब्रायन मुलरोनी हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, सो ब्रायन मुलरोनी वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, ही पास्ड अवे रिसेंटली. हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस हैव बीन सक्सेसफुली अचीव्ड द ईट राइट स्टेशन, सो आंसर इज 150. ईट राइट स्टेशन का जो खिताब मिला है 150 स्टेशन को मिला है सो फार, ठीक है. एंड ईट राइट कैंपेन इज लॉन्च बाई FSSAI विच इज FSSAI, ठीक है, FSAI एंड विच मैंडेट्स दी स्ट्रेंजेंट फूड सेफ्टी हाइजीन न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स एट्सेट्रा, ठीक है. अटल इनोवेशन मिशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू एस्टैब्लिश दी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, FTL लैब को जो है एस्टैब्लिश करने के लिए AIM ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, आंसर इज मेटा, ठीक है. मेटा इज दी रीसेंट नेम ऑफ फेसबुक, ठीक है. सो मेटा AIM के साथ कोलैबोरेट किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए. सो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब इज एन इनोवेटिव प्रोग्राम ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है. एंड अटल इनोवेशन मिशन इज अ मिशन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग ने ये स्टार्ट किया था.
ठीक है, एंड थ्रू दिस जो स्टूडेंट है उनको कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब में उनको जो है ट्रेनिंग दिया जा सकता जाएगा, ठीक है, अंडर दिस प्रोग्राम. हु वन द फर्स्ट प्राइज एट नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? आंसर इज यतीन भास्कर डुग्गल, ठीक है, सो ही वन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट अवार्ड 2024. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइंड अग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डैम्स? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डैम इज बींग एस्टैब्लिश्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन कॉलोबोरेशन विद IISc बैंगलोर, ठीक है. Recently, which state government collaborated with World Economic Forum to establish AI center? ठीक है, so this is again important. So Karnataka government ने World Economic Forum के साथ collaborate कर रहा है to establish the state of art, the AI center, artificial intelligence center. ठीक है, which of the following countries is not a member of BIMSTEC? ठीक है, BIMSTEC का कौन सी member नहीं है? Answer is C, Pakistan. So Pakistan is not a member of BIMSTEC. So Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation is a country which consists of Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. So these are the important countries you have to know. ठीक है, members पूछा जाता है. Important organization है BIMSTEC. ठीक है, this is seen as another forum after SAARC. ठीक है, SAARC का आजकल relevance कम हो रहा है. For this reason, BIMSTEC is being seen a potential organization by India. ठीक है, which country which core industry exhibited highest weight in the index of core industries? ठीक है, आंसर क्या है? आंसर है C, petroleum and refinery products. So index of core industries में there are few important core industries. ठीक है, they contribute 40% in the index of industrial production में. ठीक है, so more than 40%. This is more than 40% is contributed by core industries. So core industries में क्या क्या है? Petroleum का जो highest contribution है इसका 28% है. ठीक है, electric generation में 19% है. Third में आता है contribution steel production का 17.9. ठीक है, so petroleum, electric generation, steel generation, then coal, then crude oil, ठीक है, natural gas, then cement production, then fertilizer. So fertilizer production has least contribution in ICI. And petroleum and refinery products has highest contribution. ठीक है, so you have to remember. So eight core industries comprise 40.27% of weight of index of industrial production. ठीक है, so for this reason these core industries are very important. ठीक है, you have to remember all the names and the highest contributor and the least contributor, and you have to be able to arrange them as well. ठीक है, increasing order in the decreasing order, etc. How many new moons were discovered in outer reaches of our solar system according to the International Astronomical Union? So International Astronomical Union ने moons को discover किया है solar system में. So how many moons recently discovered किया है? C, which is the 3 moons. ठीक है, so largest moon you have to know is the Ganymede. ठीक है, so these are static GK fact. Most number of moons किसका है? Saturn का है. ठीक है, आफ्टर 62 न्यू मून्स वर डिस्कवर्ड. सैटर्न का सबसे ज़्यादा मून्स आपको याद रखना. ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ 3 न्यू मून्स टोटल काउंट ऑफ द मून्स फॉर यूरेनस एंड न्यूपच्यून स्टैंड्स 28 एंड 16 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो 2 न्यू मून्स हैव बीन डिस्कवर्ड फॉर नेपच्यून एंड 1 फॉर द यूरेनस. ठीक है, 2 फॉर नेपच्यून, 1 फॉर यूरेनस. ठीक है, वॉट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अदिति स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट? सो अदिति स्कीम is self-explanatory. Aditi means it is related to solar, ठीक है, sun. ठीक है, so comment in the comment section which is the answer, which should be the answer. ठीक है, so comments the options are very easy. What is the theme of National Horticultural Festival 2024? ठीक है, answer is next gen technology led horticulture for sustainable development. So this is the theme of National Horticultural Day. Which union minister launched Niti Aayog's platform Niti for States? ठीक है, Niti for States was recently launched by the Ashwini Vaishnaw. ठीक है, he is the minister of the IT and communications, electronics and communications, and he is the minister of railway as well. ठीक है, so Niti for States launched by Ashwini Vaishnaw. Who has become the 14th player to play the 100 test matches for India? ठीक है, so India के लिए 100 matches खेलने वाले 14th player कौन बने हैं? Answer is Ravi Chandra Ashwin. ठीक है, एंड
Which country has recently devalued the currency? Currency devaluation हुआ है recently. Country का नाम है Egypt. ठीक है, country में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था कि जो trade है वहाँ पे कम हो रहा था, इसीलिए country ने जो है currency का evaluate devalued किया है. ठीक है, devaluation means to decrease the value of the currency. Let's say 100 rupees is the current value of the $1. ठीक है, currently it is 78 or something, but let's assume that 100 rupees. So if India devalues the currency, then let's say 120 rupees would be equivalent to $1. So value of rupee will be decreased. So Egypt recently devalued its currency. With whom has NPCI joined hands for cooperation in the field of blockchain and AI? ठीक है, NPCI ने किसके साथ join किया है blockchain and artificial intelligence के लिए? Answer is IISc Bangalore. ठीक है, and on which island Lakshadweep has the Indian Navy established the new base? So Lakshadweep island के कौन सी island में Indian Navy ने नया base establish किया है? Answer is Minicoy Island. ठीक है, so INS Jatayu यहाँ पर बनाया जा रहा है. ठीक है, INS Jatayu, this is very important point. So Indian Navy ने for the first time Indian Navy is being is establishing the naval base in the Minicoy Island and the name is INS Jatayu. Operation Kamdenu is recently seen in news and this is to curb the cattle smuggling. ठीक है, so Kamdenu, so Kamdenu is related to cow, so cattle smuggling को curb करने के लिए, to reduce the cattle smuggling, this is being launched where? In Jammu and Kashmir. ठीक है, and census का कुछ important facts हम जानते हैं. Census, so far as census is concerned, it is asked in various exams, especially in the West Bengal का जितने भी exams है वहाँ पर पूछा जाता है, SSC में पूछा जाता है, banking में पूछा जाता है census का fact. So Henry Walter is known as the father of Indian census. Census first started by British Viceroy Lord Mayo 1872 में. First synchronous census was conducted in 1881 by W.C. Plowden, who was the census commissioner. ठीक है, in 1881 जो first synchronous census था, ठीक है, कंट्री में जो सेंसस है पूरा कंट्री में एक ही बार में हुआ था, पहली बार 1881 में. ठीक है, ऑल द इट वॉज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय लॉर्ड मेयो, बट फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस. ठीक है, आपको याद रखना है व्हाट इज द सिंक्रोनस सेंसस. ठीक है, सिंक्रोनस मींस द कंट्रीज सेंसस आर सिंक्रोनाइज्ड, सभी जगह में, इंडिया के सभी जगह में एक ही बार में सेंसस हो रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1881. ड्यूरिंग द टाइम लॉर्ड रिपन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस. फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब हुआ? 1951 में. ठीक है, ये ऑब्वियस था. सो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंसस हुआ इंडिया में वो सेवन्थ सेंसस था. ठीक है, सो सेवन्थ सेंसस था इंडिया इन द कॉन्टीन्यूअस सीरीज. एंड 2011 में 15 नेशनल सेंसस कंडक्ट किया गया. ठीक है, एंड सेवन्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद जो 2011 का सेंसस है वो सेवन्थ सेंसस है. ठीक है, सो आप इजीली याद रख सकते हो सेवन्थ सेंसस. जो फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस था वो सेवन्थ सेंसस इन जो कॉन्टीन्यूअस सीरीज में था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो 2011 जो लास्ट सेंसस हुआ वो सेवन्थ सेंसस था. ठीक है, सो सेवन्थ सेवन्थ. एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इज कॉल्ड 1921. ठीक है, 1921 इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज 1921 में क्या हुआ था कि पॉपुलेशन सडनली स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ठीक है, सो अंटिल 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज वेरी लो. ठीक है, समटाइम्स पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज नेगेटिव एज वेल, बट आफ्टर 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हुआ. ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट हुआ इंडिया में. सो 1921 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार है. बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है एंड यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है 1102. स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश है. यहाँ पे एक स्क्वायर जो एक मतलब एरिया है वहाँ पे कितने पॉपुलेशन रहता है 17 पॉपुलेशन रहता है 17 पॉपुलेशन. ठीक है, सो पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 पीपल लिव्स देयर. यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन. ठीक है, न्यू दिल्ली है पॉपुलेशन डेंसिटी. यूनियन टेरेटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप है. यूनियन स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश है. स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम है. स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो क्या है? केरला. ठीक है, ये सब फैक्ट आपको याद रखना है. स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा है. स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट जहाँ पे लिटरेसी सबसे ज़्यादा है वो केरला है. स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट अगेन बिहार है. लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे? यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में आता है, उसके बाद एमपी में है, पंजाब में है. ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में. ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा
रूरल एरिया, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद एमपी में, उसके बाद पंजाब में। मोस्ट पॉपुलस ट्राइब विल ट्राइब है, ठीक है। ये विल ट्राइब कहाँ पर रहता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्टेट में विल ट्राइब रहता है, ठीक है। सो रिसेंटली विल ट्राइब्स आर ऑल्सो डिमांडिंग विल प्रदेश, ठीक है। सो विल प्रदेश का डिमांड भी चल रहा है आजकल, ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 74.04 ओवरऑल है। मेल्स का लिटरेसी रेट 82% है, फीमेल का है 65.46, ठीक है। सो 16.68 डिफरेंस है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन जो है लिटरेसी रेट इंडिया में, ठीक है। सो दीज वर ऑल इंपॉर्टेंट सेंसस फैक्ट्स दैट यू नीड टू नो। आरबीआई रिसेंटली साइंड एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच बैंक टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसी, ठीक है। कॉमेंट करो कॉमेंट सेक्शन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सी डिफेंडर्स 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सी डिफेंडर्स आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सो इंडिया का कोस्ट गार्ड ने जो US का कोस्ट गार्ड के साथ ये पार्टिसिपेट किया था, सी डिफेंडर्स, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोषण पखवाड़ा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ऑर्गेनाइज बाई विच मिनिस्ट्री? पोषण पखवाड़ा, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, पोषण पखवाड़ा, ठीक है। सो मार्च 9 से मार्च 23 तक 15 डे इनिशिएटिव था ये, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच कंट्री रिसीव द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड फॉर एग्जेम्पलरी एफर्ट इन कम्बैटिंग दीज डिजीजेस? सो मीजल एंड रुबेला हटाने के लिए इस कंट्री को प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड मिला है। किसको मिला है? आंसर इज इंडिया को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दिस अवार्ड वॉज गिवन बाई अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर एट वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, अमेरिकन रेड क्रॉस ने दिया था ये। रिसेंटली वेयर वॉज द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनॉग्रेटेड? ठीक है, आंसर इज न्यू दिल्ली। एग्रीकल्चर का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया था वहाँ पर न्यू दिल्ली में, ठीक है। सो दीज वर ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द पास्ट 6 months, ठीक है। सो विद दैट आई एम कंक्लूडिंग टूडेज सेशन। सो बिफोर दैट आई'ड लाइक टू गिव एन इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे फॉर यू। द टिप इज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। रोम is not built in a day. That means that any hard work takes time. Perseverance is needed. ठीक है, perseverance is the key. You have to have the patience. ठीक है, some students prepare for 1-2 years and they give up if they do not clear government exams. ठीक है, you have to take time. It takes time for good things to happen. So for this reason, this quote is very relevant. Rome was not built in a day. So with this quote, I am concluding today's session. We'll meet again in the next video. Thank you. Take care. Jai Hind.